असली चोर कौन? अकबर बीरबल की कहानियाँ। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने अपने व्यापार में मदद के लिए एक काम वाले को रख लिया। मालिक का हर काम करते हुए उस काम वाले ने भरोसा कमा लिया। ऐसे एक दिन उस व्यापारी को काम से शहर जाना पड़ा। इससे व्यापार की जिम्मेदारी उस भरोसेमंद काम वाले को सौंप कर वह शहर जाने लगा। अपने मालिक के जाते ही तुरंत वह काम वाले ने घर के सारे धन जेवर और पैसों को पोटली में बांधकर भाग गया। फिर शहर से लौटने वाले व्यापारी घर खुला देख चौंक गया। यह काम उस काम वाले का ही होगा सोचकर सारे जगहों में ढूंढने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों के बाद शहर जाने वाले व्यापारी को बाजार में घूमता हुआ काम वाला दिखा। उस काम वाले ने भी अपने मालिक को देखा और वहाँ से बच के निकलना मुश्किल है समझकर तुरंत उस व्यापारी को कसकर पकड़ लिया। आखिरकार तू इतने समय बाद मिल ही गया ना, अब कहाँ भागेगा रे? चोरी करेगा तो मैं चुपचाप छोड़ेगा सोचे क्या? शराफत से आप उनके पैसे और जेवर वापस दे दे। बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। इससे व्यापारी अचानक चौंक गया और कहा, मैं चोरी क्यों करूंगा? अगर तूने तुरंत मेरे पैसे और जेवर नहीं दिए तो राज्य के सैनिकों के हवाले कर दूंगा। मेरे धन को चोरी करके मुझे ही सैनिकों के हवाले करने के धमकी देता है रे? बोलते हुए काम वाला उस पर छेड़ रहा था। ऐसे व्यापारी और काम वाले के झगड़ा करने पर बाजार के सारे बड़े वहाँ उन्हें घेरे, लेकिन उन दोनों में कौन चोर है और कौन मालिक पता नहीं चल रहा था। दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए महाराजा जी अकबर के दरबार में ले गए। सभा में सारे बड़े उपस्थित थे। अकबर और बीरबल के सामने उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैं एक व्यापारी हूँ, ये मेरे पास काम करता था। एक दिन मुझे शहर जाना पड़ा तो मैं अपने व्यापार की जिम्मेदारी इसे सौंप कर गया। मेरे वापस आने तक इसने मेरे पैसे और जेवरों को चोरी करके भाग गया। फिर से अभी दिखा, मुझे मेरे धन को वापस दिलाओ महाराज, मालिक ने कहा। फिर काम वाले ने कहा, महाराजा जी को मेरा प्रणाम। ये सच को छुपा कर उल्टा सीधा कह रहा है, यही तो मेरे पास काम करता था। मेरे घर में ना होते समय अच्छा सा मौका देख मेरे पैसे और जेवरों को चोरी कर लिया। अब मैंने इसे पकड़ कर पूछा तो मुझे ही चोर बना रहा है। मेरे धन को मुझे वापस दिलाओ महाराज, बोलकर काम वाले ने भाते बनाए। सभा में सबको दोनों की बात सही लगी। यदि अगर अभी इंसाफ गलत हुआ तो एक ही व्यक्ति का दो बार नुकसान होगा, लेकिन इनमें से असल में चोरी किसने की करके सारे सोच में पड़ गए। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाकर दोनों को ले जाकर फांसी के फंदे के पास खड़ा करने को कहा। फिर उन दोनों का सिर फंदे में रखवाया। अब मेरे कहे हुए काम वाले का सिर काट डालो, करके बीरबल के बोलते ही तुरंत सच्चा काम वाला डर से अपने सिर को निकाल दिया। इस तरह चोर की चोरी पकड़ी गई। उससे पैसे और जेवरों को लेकर व्यापारी को देते हैं। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उस काम वाले को कठिन सजा सुनाया। समय रहते ही चोर की चोरी पकड़ने वाले बीरबल की सभी ने तारीफ की। इस कहानी की सीख है कि धोखा किसी ना किसी दिन तो सामने आएगा ही। कृतज्ञहीन भाग। एक जंगल था, उस जंगल का राजा था शेर। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वह बहुत ही बुरा था। बाघ की इच्छा थी कि वह उस जंगल का राजा बने। उस बाघ के साथ हमेशा एक लोमड़ी और एक भेड़िया दोनों घूमते थे। वे दोनों बाघ के किसी जानवर को मार के खाने के बाद की बचा हुआ आहार खा के जी रहे थे। वह बाघ बाकी के जानवरों से दुर्व्यवहार करके डरा कर भयभीत करता था।
एक दिन बाघ ने शेर से कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ करके बोलते हुए बहस करने लगा। वह बहस थोड़ा आगे जाकर बड़ी लड़ाई में बदल गई और दोनों के बीच युद्ध भी छिड़ गई। उस युद्ध में शेर के पंजों से मार खाकर बाघ हार गया। तब बाघ को बहुत प्यास लगी, लेकिन फिर भी कमजोरी के कारण उठ ना पाते हुए ऐसे ही एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उसी रास्ते से कोई जानवर गुजरा तो उनसे पूछकर पानी मंगवाएंगे। तभी उस तरफ उसके साथ ही रहने वाले लोमड़ी और भेड़ियों का आना बाघ ने देखा। अरे वो लोमड़ी और भेड़िया, रुको रुको, मैं उस शेर के हाथों में बहुत मार खा के प्यास से तड़प रहा हूँ, इधर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम दोनों जरा नदी के पास जाकर मेरे लिए थोड़े पानी लेते आओ ना, करके उनसे पूछा। लेकिन वे दोनों ही बाघ को अनसुना और अनदेखा करके उधर से चले गए। उसके थोड़ी देर बाद में उसी तरफ एक हिरन का आना बाघ ने देखा और तब बाघ ने अपनी स्थिति का वर्णन करके पानी लाने को कहा। तब हिरन ने बाघ के बातों को सुनकर कहा, ना बाबा ना, तुम बहुत बुरे हो और साथ ही बेरहम भी हो। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं पागल ही होंगी, करके बोलते हुए उधर एक क्षण भी नहीं रुकते हुए भाग गई। बाद में उस बाघ की स्थिति को पास के एक खरगोश देखकर थरस खाकर नदी पर जाके पानी लाके उसके मुंह के पास रखी और बाघ ने उस पानी को पेट भर के पिया। और इसी तरह खरगोश हर रोज बाघ के पास पानी लाके रखती थी। ऐसे थोड़े समय में बाघ ठीक हो गई। फिर एक दिन खरगोश हमेशा की तरह पानी लाकर बाघ के पास रखी। बाघ न जाने कब से भूखा था, तो बाघ खरगोश पर थोड़ी सी भी दया ना करते हुए कम से कम उसके लिए आभार होना तो दूर, उल्टा उसे मार के खा गया। डायनासोर को फट्टी पढ़ाने वाला शेर। बंदर, खरगोश, गधा और कुछ जानवर दुष्ट शेर की तलाश में पूरे जंगल में ढूंढने लगे। दूसरी ओर अकेला दिखने वाले चिट्टी पर हमला करने के लिए शेर तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक क्षण की भी देर और हो जाता तो ये चिट्टी शेर का शिकार बन जाता। लेकिन उतने में ही माँ डायनासोर उधर पहुँच गई और उसने शेर को एक लात मारी। शेर कुछ बोल ही रहा था लेकिन बिना सुने माँ डायनासोर उसे पीट दी गई। यह देख के दुष्ट शेर को ढूंढने वाले जानवर वहाँ पहुँचे और डायनासोर को रोकते हुए कहा, शेर को क्यों पीट रहे हो, खरगोश ने पूछा। माँ डायनासोर ने कहा, ये मेरे चिट्टी को मारना चाहता था। अरे रे, सब की तरह आपको भी गलतफहमी हुई होगी, ये दुष्ट नहीं है, ये तो भला शेर है। इसके भाई ने ही हमारे हिरन को मारा था और अब वो तुम्हारी चिट्टी को भी मारना चाहता है। तब बंदर ने बोला, हाँ सही कहा, इसके पैरों में वो सोने की कड़ी है पर उसके पैरों में नहीं था। उनकी बातें सच है या झूठ, वे दोनों क्या माने, डायनासोर को कुछ समझ नहीं आया। अब से आप लोग भी इस शेर से दोस्ती करिए। उन सभी जानवरों को ना बोल पाते हुए डायनासोरों ने मान लिया। फिर वे सभी मिलकर दुष्ट शेर को ढूंढने निकल पड़े। ऐसे बहुत देर तक ढूंढते ढूंढते सारे जानवर थक गए। बड़े शेर ने कहा, मेरा भाई बहुत ही चालू है, उसे ना हमारी आने की भनक पड़ गई होगी, इसीलिए तो बच गया, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा और हम सब के हाथों मरेगा ही, अब हम सब आराम करेंगे, चलो चलो। इससे माँ डायनासोर, चिट्टी और बाकी के सारे जानवर अपने अपने घर लौट गए। उसके घर पहुँचने के बाद शेर पूरी घटना को याद कर करके जोर जोर से हंसने लगा। मैं जिनके लिए उतने नाटक कर रहा था ना, उस नाटक में तो वो चिट्टी और उसकी माँ भी शामिल हो गए।
मेरे कही हुई कहानी को इन मूर्ख जानवरों के साथ साथ ये भी मान गए। अरे वाह, और मुझसे दोस्ती भी कर बैठे। अब देखो, इस दोस्ती के आड़ में उन्हें दिखा दूंगा कि मैं चीज क्या हूँ। चुकूंगा इच नहीं बिल्कुल।